मोदी जी को लोग वोट किए हैं और मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सरकार बने, इसके लिए बिहार की जनता ने तय किया। और जो आज चार सीटों का चुनाव हुआ, ये चारों पर एनडीए भारी मतों से चुनाव जीतेगी। पिछले बार भी सभी जगह दो दो लाख अढ़ाई लाख वोट से चुनाव जीते, इस बार भी बड़े अंतर से राजद के सभी प्रत्याशी को हराने का काम करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं वी सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव का आज पहला चरण का चुनाव हुआ है। बिहार की चार सीटों पे आज अगर बात की जाए, औरंगाबाद हो या गया हो या जमुई हो या नवादा, जी हाँ, चार सीटों पे आज चुनाव हुआ है। इस बीच अगर बात की जाए तो जो गठबंधन है लगातार मतलब इस पे प्रयास कर रही थी, और कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो बातें की जा रही हैं बिहार के 40 की 40 सीटों पे जीत हासिल करने की, तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे आज किस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, आप पहले चलकर इस वीडियो को देखें। देखिए, सभी सीटों पर मोदी जी को लोग वोट किए हैं और मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सरकार बने, इसके लिए बिहार की जनता ने तय किया। और जो आज चार सीटों का चुनाव हुआ, ये चारों पर एनडीए भारी मतों से चुनाव जीतेगी। पिछले बार भी सभी जगह दो दो लाख अढ़ाई लाख वोट से चुनाव जीता, इस बार भी बड़े अंतर से राजद के सभी प्रत्याशी को हराने का काम करें। लेकिन सामने वाले भी तो कह रहे हैं कि हम भी चारों सीट पे जीत रहे हैं। नहीं, वो तो सपना देखने के लिए देख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। पिछले बार भी वही कह रहे थे, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई ट्रेंड ही नहीं है। कौन नया वोट जुट गया, लालू जी ने कौन अच्छा काम कर दिया जो वोट जुटेंगे, कुछ नहीं होना है। एकदम लोकतंत्र मोदी जी के साथ है बिहार का। बिहार का एक एक वोट मोदी जी को जाने वाला है। जी हाँ, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि सम्राट चौधरी का कहना था कि आज जो चार सीटों पे जो मतलब मतदान हुई है, उस पे उन्होंने कहा कि जैसे पिछली बार एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी बिहार में, उसी तरह इस बार भी 40 की 40 सीटें मिलेगी। और विपक्ष पे उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका कोई भी जनाधार नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा था। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।